अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा अबूबकर और आप देख रहे हैं साहिवाल मीडिया। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमेशा की तरह मिर्ज़ा अबूबकर आपके लिए कैसी इंटरटेनिंग वीडियो लेके आता है जो कि देखने वाले शाकीन हमेशा हैरान रहते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ साहिवाल के कैसे शाहकार के पास जो कि अपनी मिसाल आप है, जिसने बचपन ही से एक सपना बुना, एक ख्वाब बुना, जिसको हकीकी जामों में उसने पूरा किया। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि मेहनत, लगन, अगर जुनूनियत पूरी हो तो इंसान पहाड़ों को फतह कर सकता है, इंसान पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा कर सकता है। आज मैं ऐसे नौहनहार बच्चे के पास मौजूद हैं जिसका नाम है मलिक शराज। मलिक शराज ने 2017 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। कैरियर के आगाज़ को लेके 2018 में उन्होंने स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दी और स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देकर उन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल की। उसके बाद 2019 के अंदर उन्होंने ऑल पंजाब जूनियर का मुकाबला विन किया। नाज़रीन, 2020 के अंदर जैसे कोरोना ने अपनी थाक बिठाई, उन्होंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा। 2021 के अंदर उन्होंने मिस्टर पंजाब की तैयारी करना शुरू कर दी और मिस्टर पंजाब के लिए उन्होंने अपनी जंग को जारी व सारी रखा। नाज़रीन, उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ जो ही स्टार्ट किया तो आज वो टक्कर देने जा रहे हैं इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर। जो बच्चा एक बिल्कुल नॉर्मल घराने से था और आज वो यहाँ तक कैसे आया, उसके पीछे किसका हाथ है और उनकी जुनूनियत उनको यहाँ तक कैसे लेके आई और इन हालात के अंदर पलने वाला बच्चा वो यहाँ तक कैसे गया, हमारे लिए एक बड़ी जो है वो एक सोचने वाली बात है, हमारे माशरे के लिए एक बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखो, नई बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान के पहले भी ऐसे शाहकार और ऐसे जहाँबाज जिन्होंने बड़े ही लो कैरियर से आगाज़ किया और अपने लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसा काम किया कि जो कि बेमिसाल है। आइए मिलवाते हैं आपको मलिक शराज के साथ, जिसकी एज अभी 22 साल है, जिसने अपने सपनों को और अपने ख्वाबों को हकीकी जामों तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं मलिक शराज। तो जी, हम मौजूद हैं मलिक शराज के पास जो कि बड़े खुशाइन मालूम हुए इनसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो हम मलिक शराज से थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपने कैरियर के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना किया और इन्होंने ये जो जिम करते हैं, इन्होंने जो जूनियर मिस्टर ये जो है जनूबी पंजाब का जो मुकाबला विन किया है, इसके अंदर क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई। आप पहले मुझे ये बताएँ कि आपको ये इंस्पायरेशन और शौक़ कैसे पैदा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं, ये मुझे बचपन से ही मतलब शौक़ था बॉडी बिल्डिंग का। मोबाइल एक छोटा सा होता था मेरे पास, मतलब वो मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो सारी रात मैं यूट्यूब पे बॉडी बिल्डर ही देखता रहता था। बहुत शौक था मुझे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जिम जाने लग गया, मतलब कि स्टार्ट की जिम, तो थोड़ी सी बॉडी मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो आगे से फिर मुझे उस्ताद मिल गया, एक मतलब टीचर मिल गया। एक जब मैं देखता था ना तो मेरा एक फेवरेट बॉडी बिल्डर होता था डेनिस वॉल, बहुत अच्छा लगता उनका बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी लेवल बहुत अच्छा था, तो बहुत फेवरेट थे वो मेरे। तो उनकी वजह से मतलब मैं जिम जाना स्टार्ट हुआ, तो मुझे वैसे ही बड़ा मतलब बहुत शौक। अच्छा, मैंने आपसे जो है आपके कैरियर के हवाले से अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं मुझसे कि मलिक शराज से ये पूछिएगा कि मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आपके घर के हालात बहुत टफ थे, उस टफ के अंदर आपने ये ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के साथ आपने इसको परवान चढ़ाया, तो वो क्या था, वो क्या सीन था, कैसे आप निकले उन जुम्बिशों से। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, घर के हालात बहुत मतलब नॉर्मल थे, तो ये बॉडी बिल्डिंग कोई सस्ती मतलब नहीं है, बहुत सस्ते शौक नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। डेली के तकरीबन 3,000-3,500 खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता। तो घर के हालात ऐसे थे जिनकी वजह से घर वाले कहते थे कि नहीं मतलब आप रहने दो, ये काम सही नहीं है, ना करो ये करो। तो लेकिन मैं दिल में उसको जारी रखता था, एक तरफ से हार जाता था, दूसरी तरफ से कहता था नहीं यार एक दिन आएंगे, मतलब कि अपने आप को इंशाल्लाह ऊपर लेके जाऊंगा, इम्प्रूव करूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे टीचर मिल गए, एक टाइम का मतलब नहीं भी ना मेरे पास कुछ होता था खाने पीने के लिए, तो मेरे उस्ताद हैं वो मुझे खिलाते थे, वो मतलब सारा कुछ ही उनकी मेहनत, वो मेहनत भी करवाते थे, सब कुछ बहुत किया उन लोगों ने मेरे लिए। यानी कि आप ये कहते हैं कि अगर जुनूनियत
और जो इंसान की जो एक अंदर की जो एक चाहत है, एक लगन है, एक मेहनत है, अगर सच्ची हो तो इंसान हर ख्वाब को हकीकी जामे तक लेके जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इन हालात के अंदर अपने ख्वाब को परवान चढ़ाया, अच्छा इसके साथ साथ आपने कुछ स्टडी को भी कंटिन्यू किया कि उसको आपने वो छोड़ दिया? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, स्टडी को जारी रखा है। वो स्टडी मतलब बॉडी बिल्डिंग इस हद तक आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब 2019 में जूनियर पंजाब जीता ना तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी पंजाब कॉलेज की, तो फ्री था सब कुछ उधर। वो कह रहे थे इधर मतलब मुल्तान में हुआ था मुकाबला, वो कह रहे थे आपका एडमिशन उधर करवाना है या आपने साहिवाल में, जहाँ पे आप बोलोगे आपका फ्री होगा। अच्छा, पंजाब कॉलेज में आपने कौन सी डिग्री में या कौन से आपने क्लास के अंदर एडमिशन लिया? आईसीएस में लिया था, फिर वो आगे आ गया आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब कि नहीं आपने उसको कंटिन्यू रखा, उसमें कोई नुमाया पोजीशन हासिल की आपने, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को ही अपना एम और थीम बनाया? बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा है मतलब कि, तो उधर बस अब जाता हूँ, बस अब ये अब काम वाम शुरू हो गया है इसीलिए बस। देखें जी, इंसान की जस्तजू सच्ची हो तो एक मलक शराज जैसा इंसान जो है, एक मलक शराज जैसा बच्चा जिसकी एज अभी 22 साल है, जिसने 22 साल की एज में हमारे साहिवाल का नाम रोशन किया, हमारे पंजाब का नाम रोशन किया, अभी इटली और फ्रांस का सोच रहे हैं। अच्छा, इटली और फ्रांस का क्या सीन है? जी मुझे बचपन से ही शौक था अपनी फैमिली के लिए, अपने साहिवाल के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ओवरऑल गोल्ड मेडल हासिल करूं। तो इंशाल्लाह 11वें मंथ हो रहा है तो उनके ट्रायल देने मैंने लाहौर में जाके, तो इंशाल्लाह मैं अपने पाकिस्तान के लिए भरपूर मेहनत करूंगा और गोल्ड लेके आऊंगा। अच्छा, आपके माशाल्लाह फॉलोअर्स इतने हैं, आप सुना है कि सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, आप जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आप ब्राउन भी हैं, तो ये क्या कैटेगरीज होती हैं? ये पहले फर्स्ट पे गोल्ड आता है, फिर मतलब एक क्लास होती है उसमें गोल्ड सिल्वर ब्राउन होते हैं तीनों में से। पंजाब में गोल्ड हुआ हूँ, ओवरऑल विनर भी किया है, विन भी किया है, सिल्वर पाकिस्तान इंटर बोर्ड में सिल्वर हुआ हूँ, मिस्टर बोर्ड में ओवरऑल विनर किया था, विन किया था, मतलब 2019 में मैंने 3-4 मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह विन कर लिए थे। ज़बरदस्त। हाँ जी, फिर उसके आगे 2020 में मैंने तैयारी की, फिर वो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मैंने छोड़ी नहीं, मुकाबला नहीं हुआ तो मैंने कहा कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर से, अब इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूँ, 11वें मंथ होगा इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए भरपूर कोशिश करूँगा और गोल्ड लेके आऊँगा। अच्छा, मैंने मलिक शराज ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी आपकी तरह एक नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बेशक बच्चे हों, बेशक वो नौजवान हों, बेशक उनमें बूढ़े भी हैं, जिन्होंने बहुत नुमाया काम किए अपने पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए, अपनी माँ धरती माँ के लिए, तो उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा तादाद किन लोगों की? ज़्यादा तादाद ज़ाहरी बात है लड़कों की होगी, वो बहुत मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गया, मतलब जहाँ भी जाऊँ ना तो लोग मुझे पहचान के, मतलब मैं शॉप पे किसी पे गया हूँ तो उन लोगों ने पहचान के कहना यार आप मलिक शराज हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे यही पहचान लेते हैं कि मैं ये हूँ, हालांकि हज़ारों लोग पढ़े हैं बस अल्लाह का शुक्र है वो लोग मुझे पहचान लेते हैं, इज़्ज़त देते हैं, यहाँ तक कह कि वो मुझसे पैसे ही नहीं लेते, मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं फिर ज़बरदस्ती उनके सामने पैसे रख के भाग आता हूँ यहाँ से, ये कितनी दफ़ा हुआ मेरे साथ। ज़बरदस्त। देखिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर मेहनत के अंदर और अगर जोश के अंदर वो लगन वो जज्बा हो तो कोई मंजिलें दूर नहीं होती, मंजिलें बिल्कुल करीब होती हैं। अच्छा मलिक शराज, देखिए ना हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई हम सफ़र होता है, तो आपने कोई हम सफ़र के बारे में कभी सोचा है कि आप कभी कोई हम सफ़र हो? हम सफ़र के बारे में सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने पाकिस्तान के लिए कर लूँ, अपने साहिवाल के लिए कर, अपनी फैमिली के लिए कर लूँ, उसके बाद फिर हम सोचेंगे, अभी टाइम पड़ा है। नहीं अच्छा, आपने नहीं सोचा? अच्छा, किसी की सोचों में आप हैं? शायद होऊंगा किसी की सोचों में होऊंगा शायद, अब पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, इस बात का तो मुझे नहीं। नहीं आपको कभी कोई मैसेज, कभी कोई फेक कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, जो एक जहर सी बात रोल मॉडल होता है तो उसके पीछे आपके पीछे भी कभी कोई ऐसा सीन हुआ है? हुआ होगा, कभी नोट नहीं किया, कभी देखा नहीं है, हुआ होगा, नहीं देखा कभी। यानी कि मैं कहता हूँ कि जो आपको चाहने वाले हैं या जो आप समझ रहे होंगे
कि उसके बारे में आपका बिल्कुल अभी ध्यान नहीं है, आपका भी फोकस आपके एम और थीम और ख्वाबों पे है। अच्छा मलिक सिराज, मैंने हमेशा की तरह ये सुना है और मैंने ये देखा है कि लोगों की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मुझे बताएं कि आपके पीछे वो कौन है? जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है, औरत का ही हाथ, लेकिन वो औरत मेरी माँ है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपनी दुआओं के साथ यहाँ तक लेके आए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब मेरी माँ बहुत ही मुझसे प्यार करते हैं, सब घर वाले प्यार करते हैं, सब घर में छोटा होना तो सारी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती। मैं जब भी निकलता हूँ ना अपने घर से मुकाबला खेलने के लिए, मैं सबसे पहले अपनी माँ अपने बाप के कदम चूमता हूँ, उनसे दुआएं लेता हूँ, फिर जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जितने स्टेज खेले हैं कभी मुझे वहाँ से मैं हारा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के ही आया हूँ, अल्लाह पाक ने इतनी मुझे इज्जत दी। तो जी नाज़रीन, शहराज भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई कि वो कहते हैं ना जी, अदब के सलीकों में जो पहला अदब जो है वो वालदैन का है, अगर उनकी दुआएं आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हाल रहें तो कोई दुनिया का ऐसा मैदान नहीं कि आप हार जाएं। और वालदा बेशक जैसे भी मलिक शहराज साहब जाते होंगे, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वालदा जब वो माथा चूम रही होती है तो ये माथा किसी के सामने झुकता नहीं है, ये वजूद जब उनकी खिदमत के लिए हाजिर होता है तो ये वजूद किसी के आगे झुकता नहीं है। हमेशा अपनी वालदैन जो है उनकी कदर करें, उनसे प्यार लें, उनकी दुआएं लें और डट जाएं। अच्छा मलिक सिराज साहब, इंसान के बहुत एम और थीम्स होते हैं, तो आपने अभी तक क्या बोया और क्या काटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ बोया भी है और थोड़ा बहुत काटा भी होगा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना जिम बना लिया है, अल्लाह का शुक्र है सर्कट चल रहा है। बस यही मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपना जिम बनाऊं। मुझे मतलब जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की ना तो मुझे जिम दिल में यही ख्याल आया कि यार मैंने अपना जिम बनाना है, चाहे जो भी आ जाए ना, मुझे जितनी देर मर्जी लगे मैंने अपना जिम बनाना है। तो मुझे बहुत शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा शौक पूरा हो गया अपने वालदैन की दुआओं से, अपनी फैमिली अपने उस्ताद की दुआओं से, सब बहुत मेरी कदर करते हैं, घर वाले उस्ताद यार दोस्त मिल जाए बहुत कदर करते हैं, अल्लाह का शुक्र आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना जिम बना के बैठा हूँ। चलें जी, ये बात करते हैं शराज के उस्ताद मोहतरम से कि जिन्होंने इन कामयाबियों की सफ़र में, इनके कामयाबियों के सफ़र में शाना बशाना खड़े रहे और आपको इस मुकाम तक लेके आए। तो जी हम इनके जो मलिक सिराज साहब हैं उनके उस्ताद मोहतरम के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है राना आसिफ। अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रो ये लूँगा कि आपने सिराज को इन कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचाया, इसके अंदर आपको क्या क्या मसाइल दरपेश आए? मिर्जा साहब की हाल चाल है तबीयत से ठीक है? मिर्जा साहब मसाइल तो देखो भी कोई भी काम तुम स्टार्ट करो वो है ठीक है, पर ये है भी थोड़ा जहा मेहनत जिदोजहद करनी पाती है, मसाइल हल हो ही जाते हैं, निके मोटे मसाइल है जी, फैमिली के मसले को काफ़ी सारा परेशानियाँ, बरल कोई नहीं, अल्लाह ने खैर की मेहनत की, मैं करवाई उन्हें मेहनत की, अल्लाह पाक ने सानू काफ़ी कहा। अच्छा, मैंने इस बच्चे के अंदर एक बड़ी अदब की लह देखी है, ये वालदैन का इतना फर्मा बरदार है, और भी मैंने ये कहते हुए सुना कि यार मेरे उस्ताद मोहतरम ने मेरा हर तरह से ख्याल किया है जैसे अपने बच्चों का रख रहे होते हैं, तो आपने आया कि इस बच्चे के अंदर वो सिक्स वो जो एक अपन आई है तो और वो अदब की लह देखी कि जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर खड़ा है? नहीं मिर्जा साहब देखो ना, अभी अदब या इखलाक अच्छा होएगा तो फिर उस्ताद भी मेहनत उस हिसाब की करेगा ठीक है, मेहनती बच्चा सी, इखलाक भी अच्छा है, अदब भी बहुत ज़्यादा करता है मेरा वो, तो तुसी पहले मेरे ख्याल ना जी हाँ सोनी ले, इसलिए फिर उस हिसाब से मेहनत करवाई है, अल्लाह पाक ने जड़ा खैर की, काफ़ी अच्छा जड़ा है अज असी हो गए हैं। हालांकि पहले स्टार्ट तो असी 17 दे विच स्टार्ट लिया, 18 दे विच एक साल दे विच ही असी इन्ने चंगे हो गए भी असी स्टेज पर आने के लायक हो गए, जबरदस्त ठीक है, स्टेज पर आने के लायक हो गया, तो असी अच्छी पोजिशन ली, ये नहीं भी असी थले रह गए, असी टॉप 5 दे विच आए पहले साल ही, वो बच्चे ने मेहनत की, इंदी मेहनत का नतीजा सी, उस्ताद का तो काम यही होंगे भी उस्ताद एक तुहाड़ी हैल्प होंगी, उन्हें हैल्प की, जो भी किया उन्हें उन्हें पिक किया, अच्छा सानू रिजल्ट उनका मिले। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं तो आपको क्या दुश्वारी पेश आती है? मेरे साहब देखो भी दूसरा मेहनत तो अभी करवाने हैं ठीक है,
मेहनत काफ़ी करवाई दी, बच्चे मेहनत करते भी ने, काफ़ी मेहनती बच्चे भी आए ने। बरल एक महंगी गेम है, महंगी ये खर्चा काफ़ी होता है, टाइट का ये वो काफ़ी पैसे लगते ने। बच्चे मैं हूँ काफ़ी बच्चों ट्रेनिंग करवाना, अगे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक होंगे, अगे निकलने वाले भी होंगे ने, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होंगे, पर माली मामला तो उन्हें नहीं, पैसे वालों डाउन होंगे ने, जिद जिदा करके उन्होंने दिल टुट जाता, वो अगे नहीं आते। मैं तो ये यही कहूँगा भी हुकूमत कोई इस गेम वाले थोड़ी जी नज़रसानी करे, ताकि जेडे गरीब बच्चे ने वो भी अपना शौक जोड़ा है बॉडी बिल्डिंग का पूरा कर ले। अच्छा तो मलिक शराज से मुझे ये बताएं कि ये जो सारी मशीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि ये जो मशीनें आपने इंपोर्ट पर आई हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से ही आपने मंगवाई? ये पाकिस्तान से मंगवाई हैं। अच्छा तो ये मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा ये बताते जाएं कि ये वाली मशीन और ये सारी सारी मशीनों का क्या क्या काम है? ये मशीनें जो पड़ी हुई हैं, ये पेट की लगाने वाली, ये चेस्ट की लगवाने वाली, ठीक है, और ये शोल्डर है, शोल्डर बैक पे भी और फ्रंट पे भी, मतलब दो इस पे है, ये दोनों के लिए दो फंक्शन है। हाँ, ये शोल्डर इसके अंदर ये दोनों फंक्शन है जी। अच्छा, ये वाली मशीन के बारे में? ये बाजू की है, ट्राइस बाइसेप की। ओके, हाँ जी, ये बाइसेप की। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ये वाली जो मशीन है, ये मतलब कि किस लिए इस्तेमाल हो रही है? ये तीन चार फंक्शन है, इस पे बाइसेप भी लगती है, ट्राइसेप भी लगती है, चेस्ट भी लगता है, मतलब तीन चार फंक्शन इसमें एक में ही है मशीन में, इसी एक मशीन में। ये देखिए ऐसे, और उधर नीचे डाल के बाजू वाले इधर एक। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी जनूनी जो भी अधूरी रह गई हो तो यार ये भी मैंने करना है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि जिससे मतलब कि वो ना पूरी हुई हो। जो भी दिल में ख्वाहिश आई है, अल्लाह का शुक्र है, वो पूरी ज़रूर हुई, चाहे वो देर से हुई हो, लेकिन हुई ज़रूर है पूरी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे, और आप पाकिस्तान का, हमारे साहिवाल का, हमारे पंजाब का, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, आप अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरी दवाएं और जफाएं आपके साथ हैं। और आज आपने मलिक सराज की जो बातों से एक बात जो मैंने भी सीखी और एक बात मेरे शाकीन भी सीखेंगे कि वालदैन का अदब ज़रूरी है, उनसे प्यार करना ज़रूरी है, और जब तक इंसान खुद ना हारे तो कोई हरा नहीं सकता, आपके ख्वाब को तोड़ नहीं सकता। आप ही अपने ख्वाब बुनते हैं, आप ही अपने ख्वाबों को हकीकी जामा पहनाते हैं, और आप ही वो थॉट के अंदर खुद का जो अगला कदम रख रहे होते हैं, कोई आपके कदम को लड़खड़ा नहीं सकता। ये ज़िंदा मिसाल आपके सामने बैठी है, जिसने 22 साल की उम्र में ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया, अपने वालदैन का नाम रोशन किया, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि वो आज अपने पाँव पे खड़े हैं, अपना माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जिम भी बनाया और इसके साथ साथ अपना नाम भी बनाया, और बहुत जल्द शराज भाई जो है वो शादी भी बनाएंगे, हम वो दिन भी देखेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि ये भी अरमान होते हैं कि जैसे ही इंसान जब फेम की तरफ जा रहा होता है तो उसके अरमान ये भी होते हैं कि उसका चाहने वाला साथी भी अच्छा हो। अमी दुफाएँ जफाएँ उसके साथ हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे।